दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देश का मेल भारत की रेल। पीयूष पांडे का ये जिंगल कितना अच्छा था ना, रेलगाड़ी छुक छुक छुक, अशोक कुमार की आवाज़ और उसके बाद की सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। आजकल रेलवे के बारे में एक और अच्छी जानकारी मिल रही है, जबकि छुक छुक गाड़ी चल नहीं रही तब भी, कि रेलवे ने रातों रात कोरोना से लड़ने के लिए देश की मदद की। इतना बड़ा अस्पताल बनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बोगियों का ऐसा इस्तेमाल चीन भी नहीं कर पाया। चीन के यहाँ अस्पताल 10 दिन में बनता है, हमने 1 दिन में बना दिया। क्या है मैसेज, इसकी सच्चाई क्या है, ये देखिए। चीन ने 10 दिन में 1000 बेड वाला हॉस्पिटल बनाया और भारतीय रेल ने रात भर में 6,370 बेड वाला हॉस्पिटल बनाया, जिसका नाम है जीवन रेखा एक्सप्रेस। मोदी है तो मुमकिन है। इस मैसेज के और भी तरीके हैं, ये देखिए। हम भारतीय रेल द्वारा तैयार हॉस्पिटल, इतने बेड, नाम जीवन रेखा। वह दिन दूर नहीं जब भारत कोरोना को हराने की पूरी तैयारी कर चुका होगा। अतुल यादव हैं, उन्होंने भी शेयर की ये फ़ोटो। व्हाट्सएप पर भी खूब शेयर हो रहे हैं, हमारी पड़ोस में जो लोग रहते हैं उन्होंने भी, हमारे मित्रों ने हमसे सत्यता जांचने के लिए कहा था। तो कभी कभी हम भी पड़ताल के लिए भेजते हैं चीज़ें, तो हमारी जो पड़ताल की टीम है उसने जब जांचा तो ये दावा भ्रामक निकला। पहली चीज़, जो जीवन रेखा एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1991 से चल रही है। दूसरी चीज़, ये सत्य है, हिंदू बिजनेस लाइन, टाइम्स ऑफ इंडिया, लल्लन टॉप सब ने रिपोर्ट किया कि रेलगाड़ी के डब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने के लिए, यानी कि जो कोरोना के संदिग्ध हैं उन्हें बाकियों से अलग रखा जाए, इसके लिए कई प्रोटोटाइप्स पर, कई डिज़ाइंस पर काम चल रहा है, सरकार के पास भेजे गए हैं कि एक डब्बे में 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए जा सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ बाथरूम होता है, किस तरीके से बंद किया जा सकता है। दक्षिण भारत के एक बिल्डर ने भी कहा था कि आप हमें डब्बे दे दीजिए, हम बना देंगे। तो काम चल रहा है, तैयारी है, रेलवे लगातार कह रही है और इस पर काम कर रही है। लेकिन क्या हमने एक 6,000 से ज़्यादा बेड वाला हॉस्पिटल तैयार कर दिया? जवाब है नहीं। तो फिर जीवन रेखा एक्सप्रेस क्या है, ये देखिए। जीवन रेखा एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो 1991 को मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल, अब उसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, वहाँ से शुरू हुई। ये हॉस्पिटल ट्रेन है, इसकी हम आपको एक झलक दिखा देते हैं, ये देखिए। ये हॉस्पिटल ट्रेन है जीवन रेखा एक्सप्रेस, और ये पूरे देश में घूमती है और लोगों का इलाज करती है। अंदर इसके सब सहूलियतें हैं। तो भारत कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसके बारे में देखिए इंडियन रेलवे बता देती है। इंडियन रेलवे ने 20,000 कोचेस को मॉडिफाई करने की तैयारी कर ली है आइसोलेशन वार्ड बनाने के लिए, और इसमें 3.2 लाख बेड लग सकते हैं। इनिशियली 5,000 कोच थे और 80,000 बेड की तैयारी थी। यानी भारतीय रेलवे पूरा सहयोग दे रहा है। आप कैसे सहयोग दे सकते हैं? भारतीय रेलवे के बारे में जो सत्य बातें हैं उनका प्रचार करें, जो झूठ है उसको रोक दें। अगर आपको कोई दावा झूठा लगता है सोशल मीडिया पर आया, तो आप उसे पड़ताल के लिए हमारे पास भेज सकते हैं। हमारा पता है पड़ताल मेल padtaal@gmail.com। शुक्रिया। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉप।